लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। कहानी आदि शंकराचार्य जी शिष्यों की परीक्षा। गुरु गोविंद पादाचार्य जी ने बालक शंकर को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। पुत्र, मैं सबसे पहले तुमको हठ योग की शिक्षा देता हूँ। हठ योग मन की कल्पनाओं को संसार की ओर जाने से रोक कर अंतर्मुखी करने का एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है। इसमें कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर नाड़ी मार्ग से ऊपर उठती है और अपने शरीर के सातों केंद्र को जगाते हुए सहस्रसार चक्र को सक्रिय करती है। तुम कुछ माह तक यह साधना करो। हठ योग की साधना करने के बाद बालक शंकर को कई सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, जैसे एक ही जगह पर बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड की किसी भी घटना को जान लेना, दूसरे के मन की बात समझ जाना, संकल्प से कई असाध्य कार्य सिद्ध हो जाना आदि आदि। कुछ महीने बाद गुरुदेव ने शंकर को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम हठ योग में निपुण हो गए हो, अब मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देता हूँ। सभी प्रकार की बिखरी हुई शक्तियों को समेट कर केवल एक सर्वोच्च उद्देश्य के लिए एकाग्र कर देना, यही राजयोग है। तुम कुछ माह तक यह राजयोग की साधना करो। गुरु आश्रम में प्राय होता ही है कि यदि गुरुदेव किसी एक शिष्य के प्रति अधिक प्रसन्न होते हैं तो अन्य शिष्यों को थोड़ी बहुत ईर्ष्या हो ही जाती है। वहाँ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए गुरुदेव ने एक लीला रची। वह गुफा में जाकर ध्यानस्थ हो गए। वर्षा ऋतु जोरों पर थी, नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई। आसपास के सभी ग्रामवासी घबराकर अपने पशु और परिवार को लेकर वह स्थान छोड़कर चले गए। धीरे धीरे नर्मदा नदी का पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ के ऊपर गुरुदेव की गुफा तक पहुंच गया। नर्मदा का जल प्रवाह बढ़ रहा था। योगी राज के शिष्यों को चिंता होने लगी। सन्यासी, यदि नर्मदा का जल गुरुदेव के गुफा के भीतर पहुंच गया तो गुरुदेव का ध्यान भंग हो जाएगा। ऐसा क्या करें कि गुरुदेव का ध्यान भंग ना हो? गुरुजी ध्यान अवस्था में हैं और बाढ़ का जल उनकी गुफा तक पहुंच गया है, क्या उपाय करें? चिंता नहीं करो, ये जल गुरुजी की गुफा के भीतर नहीं जाएगा। शंकर ने मन ही मन कुछ संकल्प किया और एक कुंभ लाकर गुफा के द्वार पर रख दिया। नर्मदा का जल गुफा के भीतर जाने की बजाय उस घड़े में जाने लगा। जब तक बाढ़ चलती रही, नर्मदा का जल उस घड़े में समाता गया, लेकिन गुफा के भीतर नहीं गया। सभी वृद्ध सन्यासी और अन्य शिष्य इस अलौकिक चमत्कार को आश्चर्य से देखते रह गए। दूसरे दिन बाढ़ रुक गई, नर्मदा का जल स्तर सामान्य हो गया। गुरुदेव ने भी आंखें खोल ली। उन्हें तो सब पता ही था, फिर भी अनजान बनते हुए शिष्यों से पूछा, क्या कोई नई सूचना है? शिष्यों ने बाढ़ की घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। तब गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, बालक शंकर ने मेरे उद्देश्य का दृढ़ता से पालन किया है और बहुत ही गहन साधना की है, तभी उसमें रिद्धि सिद्धि और इतनी विलक्षण शक्तियां जागृत हुई है। शिष्यों को भी यह बात अच्छे से समझ में आ गई और उनके मन में भी बालक शंकर के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया। जो लोग गांव छोड़कर गए थे वे सभी वापस आ गए। चारों तरफ बालक शंकर की जय जयकार होने लगी। आगे की कहानी अगले सत्र में। बोलो भक्त और भगवान की जय।